देखो यार कितना फॉग है और मेरे बगल वाली गाड़ी सिर्फ दिख रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मंदिर चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस कैथल हरियाणा की बुकिंग में। गाइस आज मैं अपनी टीम के साथ हरियाणा जा रहा हूं कैथल। आज हमारी बुकिंग है मेहंदी की, ब्राइडल मेहंदी की। आज आपको हम दिखाएंगे कैथल का रूट कैसा है और वहाँ का व्यू कैसा है, वहाँ कितनी ठंड है। ठंड तो दिल्ली में बहुत बढ़ रही है, लेकिन आज हम कैथल का कुछ हालचाल जानते हैं और ब्राइडल कैसी लगेगी वो भी ओपिनियन आपको सारी चीजें एक करके बारीकी से गाइड करेंगे, दिखाएंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक आए। गाइस दिल्ली एक्सप्रेसवे से हरियाणा की ओर जाते हुए अभी ये गाजियाबाद का रूट है, इसको हम फटाफट से क्रॉस करते हैं, फिर हम एंटर करेंगे हरियाणा के रूट में। गाइस 11:30 बज रहे हैं और आप ये हरियाणा का व्यू देखो, ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर घूम रहे हो। देखिए कितनी प्यारी वादियां हैं और चारों तरफ कोहरा है और आज सूर्य नारायण जी छुट्टी पे हैं, आज सूर्य भगवान जी नहीं निकले हैं। आप देखिए कितना प्यारा व्यू है और गाड़ी चलाने का एक अलग ही अनुभव आ रहा है, सच में आज मजा आ रहा है। गाइस ये देखिए रूट आ गया है, श्री बाबा सहदपुरा मंदिर। ये हम जिंद की तरफ आ गए हैं, जिंद वाला रोड है और ये गांव का रोड है। देखिए इतना बड़ा रोड है कि सिर्फ सिंगल गाड़ी आ सकती है, दूसरी गाड़ी आने की कोई संभावना नहीं है और मेरे चारों तरफ खेती खेत हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं बाकी मैं अपने गांव में आ गया हूं, क्योंकि तो मेरा गांव भी कुछ इसी तरह से है। जो लोग जानते हैं मेरा घर मेरा गाँव कहाँ है उनको बता दूँ, मेरा घर मेरा गाँव कन्नौज में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर हरियाणा में आके, हरियाणा की माटी को मेरा प्रणाम नमन। लेकिन मौसम भी बड़ा सुहाना है, बस रोड थोड़े से ऊबड़ खाबड़ है, बाकी सब अच्छा है। ये हम ना किसी गांव वाले श्री राधे कृष्ण मंदिर, हरियाणा जगह तो बस मेरे फेस की तरफ कर देना सामने भी। सो फाइनली गाइस 12:20 पे हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। कैथल जगह का नाम है, हरियाणा है और हमारे लिए बिल्कुल नया ये प्लेस रहा है, बिकॉज थोड़ा होम टाउन एरिया है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और अभी हम लोगों ने बस अपना प्रिपरेशन किया है, कोन्स वगैरह रेडी किए हैं और टी वगैरह लेके उसके बाद हम मेहंदी स्टार्ट करेंगे और मिलवाते हैं अपने न्यू गेस्ट से, जो हमारी आज की न्यू गेस्ट हैं जसविंदर जी हैं, उनसे बहुत जल्द आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनकी मेहंदी आपको दिखाएंगे, उनकी प्यारी सी मेहंदी। और आज का जो ब्लॉग है गाइस उसमें बहुत कुछ नया होने वाला है, वो जरूर देखिए। सो गाइस हमारी जो ब्राइड हैं न्यू गेस्ट हैं जसविंदर जी हमारे साथ हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हेलो जसविंदर जी। हेलो। और आज जो मेहंदी होने वाली है, लाइक आज की मेहंदी में कुछ डिफरेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि अभी तक हमारे पेज पे ऐसे डिज़ाइन ना हो और कुछ डिफरेंट देंगे, क्योंकि ये जसविंदर जी की भी चॉइस यही है, सोच यही कि आपके जो पेज पे डेटा पड़ा हुआ है उससे कुछ डिफरेंट मिले, यही
सो गाइस हमारा हैंड कंप्लीट हो चुका है और जानते हैं अपनी ब्राइड से उनको पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा अपनी ब्राइड मेहंदी की, फ्रंट एंड बैक एंड एंड लेग की जो मेहंदी है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, सत श्री अकाल सारियां नू, मैं जसविंदर हाँ। मैनू मेहंदी लाई है राज मेहंदी डिजाइनर ने, इन्नी सोहनी मेहंदी लाई है, बहुत बहुत ज्यादा सोहनी। मैं तो सारियां नू यही कहूंगी कि तुसी इन्हां तो ही मेहंदी लवायो, इन्हां नू ही करियो अपने विआह ते। इन्हां दे ना पैर ते सट लगी हुई सी ते मैं फोन किया उस करके आए, बहुत ज्यादा मैनू मतलब मेरा ड्रीम सी कि इन्हां तो मेहंदी लवाण दा, इस करके मैं इन्हां दा बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू कर दी ये आए ने स्पेशली मेरे लिए आए ने, मैनू यही बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस हम लोग अपने बुकिंग से निकल चुके हैं कैथल से और अभी ऑन द वे, बट सामने कुछ दिख नहीं रहा है, फॉग ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम गाड़ी को आराम आराम से ड्राइव करेंगे। और 4 घंटे का रूट दिखा रहा है दिल्ली का, तो लगभग लगभग दिखा रहा है 11:18, तो मे बी 11:30-12 बजे तक हम अपने घर पहुँच जाएंगे। और गाइस बहुत ही अच्छा लगा, आप ध्यान से देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है कि सामने क्या है, सामने कोई गाड़ी हैवी नहीं है, आई डोंट नो, लोगों ने अपनी पार्किंग की लाइट जला रखी है ताकि सामने वाले को एक इंडिकेट मिल सके। ये देखिए सामने मेरा ट्रक है और दूर से देखने में लगी दिख ही नहीं रहा ट्रक है भी, मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली है, बहुत तेज फॉग हो रहा है। और मैंने अपनी पार्किंग लाइट जला ली है, देखिए आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है यार कि एक्चुअल में सामने है क्या। देखिए आप कितना तेज फॉग है, मतलब सीरियसली यार अनबिलीवेबल, मतलब आगे क्या पता ही नहीं, बट चल रहे हैं फिर भी हम। और मैं फिलहाल अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेता हूँ। गाइस हम लोग विलेज एरिया से एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं और ये असम जिंद नारनौल सब इधर ही पड़ता है और हम लोग अभी कैथल से आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा रूट है, लेकिन जब हम गए थे यहाँ से तो हम गांव वाले रूट से होते हुए गए थे, लेकिन अब मस्त लग रहा है रूट, देखो मज़ा आ रहा है, गाड़ी भी अच्छी चल रही है। देखो यार कितना फॉग है और मेरे बगल वाली गाड़ी से मुझे दिख रही है और जो आगे वाली गाड़ी है बहुत पास में है लेकिन क्लियर नहीं दिख पा रही है और फॉग इतना है कि आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि अपनी गाड़ी की मैं स्पीड तेज करूं। सो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और डिनर वगैरह भी हो गया है और बहुत सेफली ड्राइव की है, बहुत ही अच्छे से ड्राइव की है इतने फॉग में ताकि हम लोग आराम से घर पहुँच सकें। और गाइस आप देख पा रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग इतना दूर गए और इतनी ठंड में इतना फॉग था। और आज का जो वेन्यू और आज की जो डेस्टिनेशन हमारा इवेंट था बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही हैप्पी रहा और हमारी ब्राइड भी बहुत खुश हुई और यकीनन उनको काम बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनकी फैमिली से मिलके, उनकी फैमिली का जो बिहेवियर था बहुत ही अच्छा, बहुत ही एवन था और बहुत अच्छा लगा। गाइस थैंक यू सो मच, गाइस आप लोग हमेशा इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं और अगर आपको वाकई में ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो गाइस एक लाइक बनता है, लाइक करने में कोई कॉम्प्रोमाइज कंजूसी बिल्कुल ना करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक आए। मेरा नहीं आपका अपना चैनल है। तो गाइस ब्लॉग का करते हैं एंड और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ट्रेंडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।